नमस्कार, इन खबरों में आप सभी का स्वागत है। कई तरह की चीजों को चिपकाने में काम आने वाले ग्लू से एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की आंखें चिपका दी। महिला बुरी तरह से दर्द से जूझ रही है और अब यह तक साफ नहीं है कि तमाम ट्रीटमेंट के बाद भी उसकी आंख अब पहले की तरह हो पाएगी या नहीं। ये मामला ब्राजील के कैचियोरियो शहर का है, जहाँ 55 वर्षीय रेजिना अरनामा दर्दनाक बीमारी ग्लूकोमा की शिकार है। उन्हें इसके लिए हर रोज आई ड्रॉप डालना होता है। वो इन आई ड्रॉप को घर के फ्रिज में ही स्टोर करती हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बॉयफ्रेंड ने ग्लू को भी उसी फ्रिज में रख दिया, जहां रेजिना की आई ड्रॉप रखी थी। रेजिना को जब आंख में तकलीफ हुई तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से मदद मांगी। वह फ्रिज में रखे ग्लू और आई ड्रॉप के एक जैसे प्लास्टिक कंटेनर में फर्क नहीं कर पाया और उसने रेजिना की आंख में आई ड्रॉप की जगह ग्लू डाल दिया। आंख में जहरीले केमिकल्स वाली ग्लू के पहुंचते ही रेजिना तड़पने लगी, उसकी पलकें चिपक गई। तब जाकर बॉयफ्रेंड को अपनी गलती का एहसास हुआ। इत्तेफाक से ग्लू और आई ड्रॉप के प्लास्टिक कंटेनर एक जैसे होने के अलावा उनके नाम भी तकरीबन एक जैसे थे और सी अक्षर से शुरू हो रहे थे। घटना के समय उसने अपना चश्मा नहीं लगाया हुआ था। रेजिना ने बताया, जैसे ही ग्लू की बूंद मेरी आंख में गई, मुझे बहुत तेज जलन हुई, ऐसा लगा कि मेरी आंख फट जाएगी। तत्काल रेजिना को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसे ट्रीटमेंट दिया गया। रेजिना ने बताया कि पूरी रात उनके आंसू बहते रहे। नेत्र रोग विशेषज्ञ लियाना टीटो ने बताया, जब केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जैसे सुपर ग्लू या अल्कोहल वाले जेल आंख में लगते हैं तो तेज जलन होती है और यह कॉर्निया और कंजक्टिवा को भी प्रभावित कर सकती है। आंख के अंदर चिपका हुआ ग्लू क्रस्ट बनकर बड़ा घाव कर सकता है। हालांकि रेजिना की आंख से अब ग्लू हटाकर उसे खोल दिया गया है, लेकिन यह साफ नहीं है कि उसकी आंखों को कितना नुकसान हुआ है और यह कितने समय तक रहेगा। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।